नमस्कार बिग ब्रेकिंग न्यूज को स्वागत करती। संबलपुर थाना रे अटक रही बीजेपी नेता जे पर्यंत चासी मानंकर मंडी समस्या रा समाधान होना थाना छाड़े ना ये जिद्रे अटल अच्छा सरकार तरफ जे पर्यंत प्रतिश्रुति मिलना से माने उठिबे ना थाना आगुरु एक कथा से माने स्पष्ट भाव में जनई। आज पश्चिम ओडिशा जो पांचटी लोकसभा निर्वाचन मंडली अंतर्गत विभिन्न अंचल आज पखापाखि 30-40 हजार चाषी आज एकाठी होते संबलपुर आरडीसी ऑफिस घेराव करते जो भाई भाव में समग्र पश्चिम ओडिशा चाषी मानकर मंडी समस्या उत्कट रूप धारण कर हजार हजार बस्ता धान विभिन्न मंडी में पड़ रही टोकन पाई चाषी किंतु से मानकर धान बिक्री हो पारना तो ताकू एवं सरकार कहते मंडी में कहुची जे टारगेट पूरण हो गलानी बिक्री हो पारना हजार हजार बस्ता धान पड़ रही टोकन दौल कहीं इश्यू को लेकिन जिते बड़े आज आरडीसी कार्यालय घेराव कर तो ना से नहीं कि आरडीसी तरफ किंबा कौन सी सरकारी प्रतिश्रुति मिलता तो जेपर्यंत सरकारी प्रतिश्रुति न मिली जे चाषी सबू धान बिक्री हम से पर्यंत थाना जो बीजेपी नेता मान को गिरफ्त करा आज से माने थाना छाड़े ना बोली आज चेतावनी शुणाई तो ताकू कि वर्तमान संबलपुर थाना भितर रही शह शह संख्यार बीजेपी नेता थाना चारिपाखे घेरे को घेरे कर किंतु वर्तमान पर्यंत सरकार तरफ कहीं भी आलोचना आसिले ना कौन सी प्रतिश्रुति वर्तमान पर्यंत मिलना ना आम सहित तो फोन लाइन जोड़ी होती टंकधर त्रिपाठी बीजेपी राज्य संपादक टंकधर बाबू आपण मैंने थाना अच्छा एवं कौन आपण दाबी रोचे कौ पर्यंत आंदोलन को चलेबे अजुक्तिकर दाबी नुहे न्याय दाबी जोटा अधिकार चाषी मान जोटा हक चाषी मान से कथा को देखिए कही जो टोकन आपन कैंसल कर से टोकन को पुनर्कार्यक्षम करातु आप जो 13 क्विंटल एवं 19 क्विंटल किणवा कथा जोटा भुवनेश्वर फिक्स कर जिलार जो डीएलपीसी कमिटी अच्छी डिस्ट्रिक्ट प्रोक्योरमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोक्योरमेंट कमिटी से फाइनाल हो चाषी मान जो कटणी छटणी आप करते कटणी छटणी बंद करूँ एवं जो धान चाषी धान मंडी अच्छे से सब धान उठातु इटा आज कौन अजुक्ति कथा तो नुहे एक कथा आज प्रथम थर कहूना एक कथा आम आगु आरडीसी को मेमोरांडम देखु विभिन्न जिलापाल को देखु आपण मन थी किसी दिन ते संबलपुर जिलार कुचिंदा पाखे एनएच को 40 घंटा बंद कला लिखित भाव में प्रतिश्रुति किंतु ता भी आज कार्यक्रम है नहीं प्रतिश्रुति पानी गार हो आज हजार हजार संख्या में चाषी ये आसिक एकत्रित होते चाहते राज्य सरकार कही पार्था जे मंडी में जहां धान पड़ी सब निहा टोकन कैनसल होती जहां टोकन कैनसल पुनर्कार्यक्षम कर चाषी मान सब धान किणाजी कहीं कौन सी मानने चाषी मानी केवेदनशील सरकार ओडिशावासी देखुं आम थाना अच्छा आमको अरेस्ट करके आने से थाना आरडीसी आपण मानक भेटिले कि कौन सी सरकारी अधिकारी आपण मानक भेटिले कि प्रशासनिक अधिकारी आमको भेटी ना कौन सी प्रशासनिक अधिकारी आम सांगे कथबार्ता करना किंतु आम जो दाबी नहीं आसीलु एवं जो आमको गिरफ्त करके आणिक थाना रखी से दाबी सरकार प्रतिश्रुति नदला जाए आम थाना जीवन आमको बांधतु एक तो आमको उठातु ना धान उठातु अर्थात बीजेपी एभली भाव थाना धारणा जारी रख थाना से भाव आपने रे जो पर्यंत आरडीसी न आसी न भेटी आरडीसी प्रतिश्रुति आपण माने दाबी करुछंती गोटे छोटे बोधे ओडिशा रा राजनैतिक इतिहास रे प्रथम थर हो जे विरोधी दल रा लीडर ऑफ अपोजिशन मुख्य विरोधी दल रा मुख्य नेता विरोधी दल रा नेता तीन दुई जन जणे दुई जन सांसद 8 जन विधायक पूर्वतन राज्य सभापति पूर्वतन मंत्री गोटे पार्टी राष्ट्रीय पार्टी राज्य सभापति थाना अच्छा सरकार टिके संवेदनशीलता ना चाषी मान प्रति कौटी घर कथाई बस सरकार केहंकार अच्छी भावतु तर कौन प्रशासनिक अधिकारी कथबार्ता करने आसी ना राज्य सरकार संज्ञान में ना कौ बड़ कथा डिमांड कर
ସବୁବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଥିବା ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଟୋକନ ଲ୍ୟାପ୍ସ କରିଦେଇଛି, ମିଲର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଟେକି ଦେଇଛି, ମିଲର ମାନଙ୍କର ଦଲାଲି ପଇସା ତାଙ୍କ ଦଳ ଚଳୁଛି। ଆପଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଚାଷୀ କାନ୍ଦୁଛି ହତାଶ ହେଇକି। ଛୋଟିଆ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରଖିଛି? ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଟଙ୍କାଧର ବାବୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ। ତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଆଜି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି, ଏବଂ ନିଜେ ଯିଏକି ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ବହୁ ବିଧାୟକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏଠି ରହିଛି ସମସ୍ୟା? RDC ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ନାହିଁ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଡର କାହିଁକି ଏତେ? ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପାଇଁ ଏତେ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଥିଲେ ସରକାର ଯେ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ହେଲେ ବି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ ମଣ୍ଡିରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି, କାହିଁକି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମ୍ନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲଜିକ୍ ଅଛି। ସୁରତ ବିଶ୍ୱାଳ କୃଷକ ନେତା ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସୁରତ ବାବୁ, ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା, ଆଜି RDC ଅଫିସ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ RDC ନା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେହି କାହାର ଦେଖା ନାହିଁ, ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଡରୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ? କଥା ହଉଛି, BJD ର ନେତାମାନେ, ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ରମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ ମିଛ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ସମୟ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଗଲା, RDC ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନେତାମାନେ, କଣ କହିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଟୋକନ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କର, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଧାନ ଉଠେଇବାର ସମସ୍ୟା କୋଉଠି ଅଛି? କାହିଁକି ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଏବେ ବି ଜମା ହେଇକିରି ଅଛି? ଏବଂ ଯୋଉ ଯୋଉ ଦାବି ଚାଷୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବସ୍ତା ମାନେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ତମେ କାହିଁକି ଧାନ କାଟୁଛ? କାହିଁକି ବସ୍ତାର ରେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଦଉନ? କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦଉନ? କାହିଁକି ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ମୋଦି ପଠେଇଥିବା ପଇସାରେ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ନକରି ତାକୁ ଜମା କରି ରଖିଛ? ଏଇ ଏଇ କଥା। ଏବଂ PM କିଷାନରେ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପଠାଉଥିବା ପଇସା ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ କାହିଁକି ପାଉନି? ଚାଷୀଙ୍କ ତାଲିକା କାହିଁକି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉନି? ଏଇଭଳି ଦାବି ନେଇକିରି ଆଜି RDC ପାଖକୁ BJP ର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ RDCକୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଭେଟ କରାଇଦେଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ରାସ୍ତାରୁ ଅଟକେଇଲା, ଗିରଫ କଲା। ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦାବି ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର କଣ କହିଲେ? ସରକାର ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। କାହିଁକି ଧାନ ଉଠଉନାହାନ୍ତି? ଏବେ ଏବେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେତେକ ମଣ୍ଡିର ଅବସ୍ଥା, କେତେକ ମଣ୍ଡି ତ ମୋଟେ ଖୋଲି ନାହିଁ, କେତେକ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଛି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ପରମିଶନ ନାହିଁ ଧାନ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିଛି, ଧାନ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ପରମିଶନ ଦବ କିଏ? ମିଲ୍ ମାଲିକ ନା ସରକାର? କେନ୍ଦ୍ର ତ ପଇସା ଦଉଛି, ପୁଣି ଧାନ ଉଠେଇବାକୁ ପରମିଶନ ଆଉ କିଏ ଦବ? ଯିଏ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛି, ଯାହା ପାଖକୁ ମେସେଜ ଆସିଛି, ଯିଏ ଟୋକନ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଧିକୃତ ଯିଏ ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ, ତାକୁ କାହିଁକି ଧାନ ବିକିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନି? ଇଏ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କାହିଁକି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଉଷୁନା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଟୋକନ ପାଇଁ କି ଆମ ଟୋକନ କାହିଁକି କ୍ୟାନସେଲ କରିଦିଆଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଇନି, କେମିତି ଟାର୍ଗେଟ ପୂରଣ ହେଇଗଲା, ତାର ଜବାବ କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର? ଆମ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ସେ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରୁ, ଯେଉଁଠିକି BJP ନେତାମାନେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ମିଳିଲା ଯାଏ ଆମେ ଉଠିବୁ ନାହିଁ। ମଳୟ, କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ BJP ନେତା ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ।
निश्चित भाव सत्य देखो जे आज बीजेपी चाषी सपक्ष चाषी समस्या के नहीं आज संबलपुर एक प्रथम समावेश करता परवर्त समय एक राली सह आर डी सी अफिस् तो चाषी मानकर समस्या को लेकिन बीजेपी नेता माने नाछोड़ बंदा जे पर्यंत सरकार प्रतिश्रुति न देइछंती थाना आगुरु हटिबे नाही थाना भितरु हटिबे नाही आज 30-40 हजार चाषी एकाठी होइतिले पश्चिम ओडिसा विभिन्न जिलारु आसीथिले एवं गोटिए दाबी मंडी समस्यार समाधान करा जाउ सरकार प्रतिश्रुति दियंतु कम से कम आर डी सी तो प्रतिश्रुति दियंतु जे पश्चिम ओडिसा रे जेते गुडिया मंडी अछि थाना से मंडी गुड़ी करे चासी मानकर सब धान को बिक्री करा जीव किंतु विरोधी दल नेता मध्य से आंदोलन में सामिल होते आज आरडीसी ऑफिस घेराव कार्यक्रम रे किंतु वर्तमान पर्यंत ना आरडीसी ना जिलापाल कहीं भी प्रशासनिक अधिकारी भेटापी आसी ना बीजेपी प्रतिनिधिमंडल को तो से जिद्रे अटल अच्छा जेपर्यंत प्रतिश्रुति न मिली थाना आगु हटबू ना जतीन महांती आम सहित जोड़ी होती वरिष्ठ बीजेपी नेता जतीन बाबू जो भाई भाव में आपण दलर नेता एवं कर्मी माने थाना आगे अड़ी रही को पर्यंत ए आंदोलन को आपण माने अब्याहत रखिबे वर्तमान पर्यंत भी कहीं भी प्रशासनिक अधिकारी ना आरडीसी ना जिलापाल कहीं भी भेटिया पाई आसिले नाही कोनोसी प्रतिश्रुति सरकार तरफ भी मिलला नाही। देखंतु जो भली भाव से चाषी को गत मास मास धरिकी सरकार ठकी चलछंती तांकु टोकन दे कि परे टोकन कैंसल तांकु जो भली भाव धान किणापी प्रतिश्रुति देवापर भी धान किणा न कही खोल मंडी पक रखा जा विरोध करी आज आरडीसी को घेराव कर कार्यक्रम थिला एवं आरडीसी ऑफिस घेराव कला बेले आम दाबी थिला जे आमे आरडीसी को दाबी पत्र दबू कहूँ जेपर्यंत ए धान समस्या समाधान न होती से पर्यंत कौन प्रतिश्रुति आम अपेक्षा कर किंतु जो भाई भाव से आरडीसी हूँ कलेक्टर हूँ उभय से जो भाव गोटे पलातक साजिले से निजर कर्तव्य छाड़ी बर्तमान कौटी जा लुचिंट से विषय आमको जनाना आमठ आसी दावी पत्र नवा तो दूर कथा कौन से प्रतिश्रुति देखने आसी ना आगक आसी ना से परिस्थिति आम को थाना को घेराव करने को बाध्य कर थाना को छाड़ी जीवार कौन प्रश्न उठुना जे पर्यंत चाषी मानकर कौनसी दाबी पूरण है ना तेणु आम जो कथि कही चाषी समस्या समाधान करने सरकार दायित्व एवं जो भाई भाव में चाषी बर्तमान से ठकामी शिकार होती सरकार तरफ तादंत सापेक्ष आम उभय दाबी पूरण ना पर्यंत से थाना उठवर प्रश्न उठना बोली आम नेता मैंने घोषणा करपर्यंत अटल अच्छे तो धान न उठला पर्यंत बीजेपी नेता मैंने उठे ना थाना भितर एक कथा सेमाने घोषणा करछंती बड़ा आश्चर्य कथा विरोधी दल नेता समेत अनेक विधायक एवं बड़ा बड़ा नेता जो माने कि भारतीय जनता पार्टी सांसद रही विधायक रही समस्ते ए आंदोलन में सामिल होते आर डी सिंह को सेमाने दाबी पत्र देवाई आसी जे चाषी मानकर धान उठू दाबी पूरण करिवे केते न करिवे केते बड़ परवर्ती कथा किंतु सौजन्यमूलक दृष्टि ना आरडीसी ना जिला प्रशासन जिलापाल ना कौन प्रशासनिक अधिकारी वर्तमान पर्यंत से भेटापी आसिले ना ये हूँ विडंबना तो बीजेपी नेता मैंने कितु नाचोड़ बंधा जो पर्यंत ए प्रतिश्रुति न मिली जो पर्यंत मंडी धान न उठी चाषी मानकर से पर्यंत से थाना छाड़े ना एबी थाना परिसर में एबी थाना भितर अच्छा बीजेपी नेता मैंने जो मैंने कि आज आंदोलन में सामिल होते अनेक बड़ा नेता अनेक विधायक अच्छा भितर सामिल अच्छा तो समस्ते अड़ी बसी निज दाबी जो पर्यंत प्रतिश्रुति न मिली चाषी मानकर धान मंडी उठिबो बोली सबु धान बिक्री हबो बोली से पर्यंत से माने थाना छाड़ी जीवे ना आंदोलन बेले पुलिस से गिरफ कर गिरफ परवर्त समय छाड़ दिए पुलिस ये गोटे साधारण प्रक्रिया किंतु से थाना छाड़ा को प्रस्तुत नुहंती कारण जो डिमांड नहीं कि से माने आसते से डिमांड वर्तमान पर्यंत अधूरा रही से डिमांड वर्तमान पर्यंत पूर्ण होई नहीं
डिमांड पूर्ण नहिबा पर्यंत किमा ठोस प्रतिश्रुति न मिलिबा पर्यंत सेमाने छाड़िबे नाही। थाना ए जीत रे अटल रही अड़ी बसी थाना भितर जतीन बाबू जदि कहीं न आसंती आलोचना करने जदि सरकार प्रतिश्रुति न दिंती केते दिन पर्यंत आपणकर एभली भाव आंदोलन चलो केते दिन पर्यंत आपणकर नेता माने थाना भितर एभली भाव रहिबे कौन प्रतिश्रुति मिली ना कि कौन पदाधिकारी आसी ना आम दावीपत्र ग्रहण करने कि लोक आम नेता मान सहित कथबार्ता करने से पर्यटन ये आंदोलन चलो थाना घेराव चलो एक आम नेता मैंने घोषणा करेटी तेणु ये आंदोलन बर्तमान सरुना जपर्यंत कौन प्रतिनिधि सरकार आसिकी से दावीपत्र ग्रहण करना द्वितीय कथ रहा जेपर्यंत चाषी आंदोलन विषय को समाधान खोजापी सरकार चेष्टा करना से पर्यंत आंदोलन आहुरी तीव्रतर हबो एवं आज थाना घेरे करचु काली संपूर्ण ओडिशा बंद करिया को मते पछेबो नाही ए कथा मध्ये आज आपण मानकु आमे कहिछु एवं आमर ए प्रतिश्रुति मध्ये रहिछ। ओके तो आपण सुनुथिले जतिन महांती बीजेपी मुखपात्रंकर प्रतिक्रिया जे जदि सरकार प्रतिश्रुति जदि न दियंती जदि धामंडी समस्या समाधान न होय आगामी दिन रे सारा ओडिशा रे मध्ये आंदोलन को छुडा करा जिवो। मलय भई आम प्रतिनिधि जे कि जोड़ी होती वर्तमान से थाना सम्मुखु मलय जो बीजेपी नेता माने अच्छा थाना भितर कौन से माने डिमांड कर रही रिएक्शन निश्चित प्रकार सत्य देखो आम जहाँ आलोचना करें पूर्व आज ये बेले आर डी सी ऑफिस घेराव कर बीजेपी से ही समय पुलिस जोर जबरदस्त उठे नहीं जो अभियोग चाषी को जो समस्या था चाषी समस्या को नहीं बीजेपी आज आर डी सी अफिस घेरी किंतु कौन प्रकार आर डी सी यहाँ कथा शुणिले सीधा सलख तक आक्शन नाला पुलिस उठे आ घटनास्थल ये देखुवे थाना ये हूँ टाउन थाना जो थाना कि बर्तमान समय सांसद जो पांचट सांसद क्षेत्र सांसद थे और पाखापाखि 130 विधानसभा विधायक और पूर्वतन विधायक थे ये देखुवे एथिर बर्तमान समय थाना भितर अनेक सांसद अच्छा और अनेक बीजेपी नेता अच्छा एमती आप जानते बीजेपी बीजेपी राज्य सभापति समीर महांती अच्छा भितर विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक भितर अच्छा जे बीजेपी गोटे अभियोग रोचे जे मुख्यतः जेतुक सरकार कहीं शुना ये जो दाबी आज जितेबाला सरकार को सीधा सलख से भेटा जाते से समय तक भेटिले कहीं ये प्रश्न उत्तर मागुंट बर्तमान समय से कहते जे आर डी सी निजे आसतु आम सहित आलोचना करतु ये चाषी समस्या कौन प्रकार निष्क्रिय बाट बाहर करतु ये जितेबाला समाधान हो पर्यंत एम थाना उठे ना कहीं बर्तमान समय पुलिस आप जानते जे अन्य घटन आम देखीछ आंदोलन हेल्ले पुलिस किसी समय मध्य आंदोलनकारी को छाड़ी थे किंतु देखुए पाखापाखि अनेक घंटा होगा दिन राति 10 अधिक समय है भितर अच्छा विरोधी दल नेता अच्छा राज्य सभापति समीर महांती अच्छा अनेक विधायक अच्छा अनेक सांसद वर्तमान समय टाउन टाउन भितर अच्छा पुलिस गोटे प्रकार रिएक्शन करे कौन प्रकार वर्तमान समय एत घंटा पूर्जिले कौन प्रशासनिक अधिकारी बर्तमान समय पहुंची ना ना आलोचना करने कहीं आगे आसना ये गोटे सरकार रवि नायक आम सहित अच्छा जे कि बीजेपी राज्य साधारण संपादक आम सहित जोड़ी होती जे कि थाना भितर अच्छा संबलपुर टाउन थाना रबाबू आपण को स्वागत एवं वर्तमान सुधा कौन सी खबर आसला कि आपण को आर डी सी भेटे कि पक्षर कौन सी मेसेज आसला कि आपण सहित किए आलोचना कले कि आर डी सी को आगर अवगत कर अवगत करूँ प्रत्येक समस्या को लेकर पुंखानुपुंख भाव भी आलोचना करूँ वर्तमान सुधा आर डी सी कथबार्ता लगी सेक्रेटरी पाखे फुड सप्लाय एवं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट सेक्रेटरी सहित कथबार्ता लगी किंतु तांकर आउ उत्तर आसी ना सब बड़ दुर्भाग्यर विषय जे कि अच्छा सेक्रेटरी विगत दिन में भी से प्रकार अनेक कांड देखा मिली एवं वर्तमान भी से प्रकार कांड कर स्पष्ट भाव अनुमान होछि मु आपनको कहिबा पई चाहेबी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे मंत्री थिले सेक्रेटरी थिले अपोजिशन चीफ मोहन माझी थिले मोर पाखरे चाषी दुई जन नेता थिले
ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ 160 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ। ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମାଣ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେଲେ। ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏତାର ଭିତରେ କଣ ଅଛି, ସରକାରଙ୍କର କଣ, କାହାର ପାଖରେ କଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସରକାର ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ମାନେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯାହା କହିବେ ତାହା ହିଁ ହେବ। ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନି। ମୁଁ 15 ବର୍ଷ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସେ ସେକ୍ରେଟେରୀ କଣ ଆଦିସି କଣ କରିବ, ଆଦିସି କିଛି କହିପାରିବେ କେବେ? ସେ ଜଣେ ପ୍ରମୋଶନ IAS, ସେ କଣ କରି କହିବେ ଏବେ? ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏ ସରକାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ ବଣ୍ଟନ ଅଛି, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ସେ ପ୍ରକାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଦରଦ ଅଛି ଏ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରିଛନ୍ତି, ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରିଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା 1868 ପଇସା 8000 କୋଟି। ରବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଯଦି RDC ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁନାହିଁ, ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଥାନାରେ ଅଟକ ରହିବେ ବା ଥାନାରେ ବସି ରହିବେ? ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସହପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଅପୋଜିସନର ଲିଡର ଥିଲେ, 2 ଜଣ MP ଥିଲେ, ବିଧାୟକ ମାନେ ଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠିବ ଏବଂ ଆମେ ଥାନାରୁ ଉଠିବୁ। ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠିବ, ଆମେ ଥାନାରୁ ଉଠିବୁ। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢେଇ କରୁଛୁ, ଯୋଉ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢେଇରେ ପଡି ରହିଥିବା ଧାନ, ଲେଫ୍ଟ ହେଇଥିବା ଟୋକନର ଧାନ ଏବଂ ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ ଆସିବା କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉ ଆମେ ନେଇକିରି ଆମେ ଲଢେଇ କରୁଛୁ, ସେ ଲଢେଇରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସକ୍ସେସ ହେବୁ। କାରଣ ଏ ଲଢେଇ ଆହୁରି ଲମ୍ବା ହବ। ଏଠି ଆମେ ଶୋଇବୁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଯେତେ ଦିନ ଆଜି ଥାନାରେ ଆମେ ଶୋଇବୁ, ଆମେ ଥାନା ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାକୁ ଯାଇ ସେଠି ବି ସେମାନଙ୍କର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରୋକ ବି ହେବ, ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବ। କାରଣ ଏ ସରକାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ହଡପ କରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃବୃନ୍ଦ ସେ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଥାନା ଭିତରେ ବି ରହିବେ, ସେପଟେ ବାହାରେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥାନା ଭିତରେ ଏଥିପାଇଁ ରହିବୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ଯଦି ଜେଲକୁ ପଠେଇବେନି, ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲକୁ ପଠେଇବେନି, ଆମେ ଏଇ ଥାନା ଭିତରେ ରହିବୁ। ଆଉ ଯଦି ଜେଲକୁ ବି ପଠାନ୍ତି, ସେଇଠି ଆମେ ଅନଶନ କରିବୁ। କାରଣ ଆମର ଦରଦ ଅଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆମର ଦରଦ ଅଛି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡି ରହିଛି, ଆମର ଦରଦ ଅଛି ଟୋକନ ମିଳୁନାହିଁ, ଟାର୍ଗେଟ ମିଳୁନାହିଁ, ଏବଂ ଯୋଉ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି 1868 ପଇସା ଜାଗାରେ ଅଣ୍ଡରରେଟ୍ ହଉଛି, 9 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଧରିକି ଧାନ ସେମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଯୋଉ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି, ଏସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯୋଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ କରିବାର, ଯୋଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଜିନିଷ, ସେଇ ଉତ୍ପାଦିତ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଠିକ ଭାବରେ ପଇସା ପାଇବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଋଣ ଆଣିଛି ଏବଂ ସେ ଋଣ ଆଣିଥିବାର ଟଙ୍କା, ସେ ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ସୁତ ରବି ନାୟକ, ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ସୁରତ ବିଶ୍ୱାଳ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି BJP କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ସୁରତ ବାବୁ, ଯଦି ଏଭଳି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ରହେ ସରକାରଙ୍କର, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର, ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ତାର ନେତାମାନେ, ଅନେକ ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ସମସ୍ତେ ଥାନା ଭିତରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ଦୂରର କଥା, ତ ଏଇଠି
रबाबू कहते आय द्विगुणित हवा कथा ये तो ओडिशा बहुत दूर स्वप्न ये हम तो यह आंदोलन को केमती भाव में आपण दल सब बड़ नेता मैंने अच्छा बर्तमान थाना भितर टाउन थाना भितर तो बाहर यह आंदोलन को केमती आप सरकार विरोध में चलेबे कौन आप योजना रही आगे कौ पर्यंत आंदोलन को टाणी मुझे चाहिए दीर्घ दिन है ये सरकार निरंकुश शासन भोग कर सरकार दीर्घ दिन है चाषी मान को ठकी आसुला शह शह कोटी टंका केन्द्र आसुवा टंका को एमने हरिलुट करते बड़े जहां एम एस पी स्थिर होता से टंका चाषी को दौन दौन मानने विभिन्न बाटर चाषी ठू से कमे दौले धान कांसाट करवा बस्ता रेट नदवा सुतिल रेट नदवा ट्रांसपोर्ट खर्च नदवा ये कथा करते जहा दि जाऊँगी मंडीर इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पाई से खर्च भी कर टा जमा है पड़ी आम तार हिसाब मगुलू कहीं शह शह कोटी टंका जमा है खर्च करूना एवं बर्तमान सरकार पछाऊँ यही आलोचना को जदि सामना को आसबे से सबुर हिसाब दवा को पड़ो आम कि जिद धरिक बसीचु दीर्घ दिन है जो आम ये प्रत्यक्ष प्रतीक भाव आंदोलन करूँ एवं निर्दिष्ट निष्पत्ति पाला पर्यटन ये आंदोलन आम जारी र जे चाषी को जो दीर्घ दिन है तुम तार अधिकार को वंचित कर अधिकार दवा पर्यंत भारतीय जनता पार्टी आंदोलन को अब्याहत रखिब तुम्हें जब गिरफ कल तुम जब आलोचना को न आसल तमें लोकों पाक जीव सारा ओडिशार चाषी समाज पाक जीव एवं सारा ओडिशार चाषी जेभरी भाव में निष्पत्ति देवे प्रतिक्रिया से भाई भाव में हम सरकार प्रस्तुत रे सामना करने चाषी अधिकार कथा ओडिशार 70 भाग रु ऊर्ध लोकर एटा हूँ अधिकार प्रश्न एवं सरकार आपको जब उपेक्षा करने को चेस्टा करेंगे भारतीय जनता पार्टी कौन सी परिस्थिति में चाषी को हक मिलवा पर्यत ये लड़े लड़ब विधानसभा बाहर थाना जेल रे जो भी हूँ निरवच्छिन्न भाव में लड़े चलो जारी रहा बीजेपी नेता मैंने थाना भितर एवं अच्छा से ही जीत जे प्रतिश्रुति न मिलवा पर्यंत उठिबे नाही थाना भितर मलया भाई आम प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी होती मलया आप कथा होते कि थाना अधिकारी हूँ बा जिलापाल सहित कथा होते कि जे किसी योजना अच्छी कि प्रशासन तरफ किए आसबे आलोचना करेंगे आरडीसी आसी आलोचना करार कौन सूचना अच्छी कि देखो शक्तिशाली ये पाखापाखी अनेक घंटा होगलाणी अनेक विधायक अनेक सांसद मत बर्तमान समय टाउन थाना भितर अच्छा जहाँकि पुलिस आप जानते हैं पूर्व पुलिस जब गिरफ करे तो अनेक बहुत कम समय जो मैं आंदोलन कर छाड़े कि बर्तमान समय ये जिते बेले ये गोटे जो चाषी को अभियोग जो चाषी को समस्या रही ये चाषी को समस्या को समाधान करने सरकार चाहूना ये आप जानते हैं किभ सरकार शासन चली बर्तमान समय ओडिशा तो आप जो कथा कहते ये कौन सी प्रकार प्रशासनिक अधिकारी बर्तमान समय टाउन थाना को आसी ना कि आंदोलनकारी सहित आलोचना कही ना ये आप जानते जे पुलिस कहूँ पुलिस पाखे कौन सी प्रकार उत्तर ना कहीं ये जितने सरकार बीजेपी बसुची आरडीसी अफिस् घेर कर आरडीसी अफिस् घेर कला समय कौन सी प्रकार कई सहित आलोचना कले सीधा सड़क पुलिस ठेला पेला कला जोर जबरदस्ती उठे आने आंदोलनकारी कोत बड़ घटना है या बर्तमान समय कौन प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पाखे पहुंचला ना 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 जिला अधिकारी बर्तमान समय पाखे पहुंचला ना ना कौन प्रकार प्रशासनिक अधिकारी उत्तर बर्तमान समय मिल पारानी आपठे ना तो अंपटे प्रशासनिक अधिकारी मान देखा ना ना जिलापाल ना आरडीसी कहीं भी आसुना आलोचना करने बीजेपी चेतावनी दे सारी थाना भितर उठे ना जपर्यंत धान न उठी मंडी एवं बाहर थाना भितर तो नेता मैंने रही है बाहर आंदोलन चलो राज्यव्यापी आंदोलन को आगुक निजी तो आप देखुं से चित्र किभली भाव में दलर तमाम वरिष्ठ नेता समस्ते थाना भितर अच्छा राज्य सभापति समीर महांती विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक अनेक विधायक सांसद समस्ते उपस्थित अच्छा थाना भितर एवं जे पर्यंत ठोस प्रतिश्रुति न मिली मंडी चाषी मानकर धान न उठी से पर्यंत थाना से उठबे ना सीधा सीधा रोकठोक ए कथा से जनई तो एवं एक चेतावनी देखते जदि सरकार कुंभकर्ण निंद न भांगे ताहले राज्यव्यापी आंदोलन को छिड़ा करेंगे तो देखा जाऊ सरकार
आसुचंति ना नाही आलोचना को प्रतिश्रुति दौंत ना नाही एवं बीजेपी नेता माने केते पर्यंत ए आंदोलन को नौचंति चासी मानकर नार्ज्य हक मिलबा पर्यंत ए आंदोलन को केते दूर टाणी पारुचंति बीजेपी नेता माने। तो समय होची बिग ब्रेकिंग न्यूज को एट रखिबा। नमस्कार।